عبد الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أفعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح نبيل. أفعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. نذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق كثرة فاصبروا على الله لعلكم. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم ذكر وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من الكافرين. فأنجيناه الذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كفروا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. हमने नूह को उसके कौम की तरफ भेजा, उसने कौम से कहा कि मेरे कौम तुम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो क्योंकि उसके अलावा तुम्हारा कोई और इलाह नहीं है और मैं डरता हूँ कि तुम्हारे पर कोई बड़ा दिन ना आ जाए बड़े दिन की अल्लाह से डरता हूँ। उस कौम के सरदारों ने कहा हम तो तुमको एक शरीर जिंदाही में समझते हैं। नूह ने कहा मेरे कौम ये कोई जिंदाही नहीं बल्कि मैं तो परवरदिगार आलम का मैं उसके पैगाम तुम तक पहुँचाता हूँ और मैं तुम्हारा हकीकी फैसला हूँ लेकिन वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। क्या तुम्हें इस बात का ताज्जुब हुआ कि हमारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक आसानी आ गई एक ऐसे आदमी पर जो जमीन से है ताकि तुम्हें डराए ताकि तुम्हें आगाह करे और ताकि उस पर रहम किया जाए। लेकिन उन्होंने उसको जिता दिया फिर हमने उसको बचा दिया और उसके साथ जो लोग थे उनको भी एक कश्ती में बचा दिया और जो हमारी आयात की सिलसिला रहे थे उन सबको हमने घर प्रयास कर दिया लेकिन वो लोग अंधे हो गए और हमने आज की तरफ सूच के भेजा। इसने अपनी कौम से कहा कि ऐ कौम तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो क्योंकि उसके अलावा तुम्हारा कोई इलाह नहीं है क्या तुम्हें इसका खौफ नहीं आता। इसके कौम से कुफार ने कहा कि सरदार थे हम तो ये समझते हैं कि तुम एक बेवकूफ़ आदमी है और हम तुम्हें झूठा समझते हैं। सूद ने कहा मेरे कौम ये कोई बेवकूफ़ी नहीं है बल्कि मैं तो रब्बुल आलमीन का कासिद हूँ उसके पैगाम तुम तक पहुँचाता हूँ तो यकीन जानो कि मैं तुम्हारे लिए एक गमखार और अमानतदार हूँ। तो क्या तुम्हें इस बात से ताज्जुब हुआ कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे रब की आसानी आ गई एक ऐसे इंसान पर जो तुम्हें से है इसलिए कि तुम्हें डराए। याद करो कि खुदा ने तुम जो नूह के कौम के बाद दुनिया में टेस्ट किया और तुम्हें सलाहियतों के एतबार से ज्यादा किया तुम अल्लाह के सिर्फ में याद रखो ताकि तुम सलाह पाओ कामयाबी पाओ। कौम ने कहा क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो ताकि हम महज अल्लाह की इबादत करते रहें और जो हमारे अल्लाह के अलावा दूसरे हैं हमारे आबाओ अजदाद जो कुछ करते रहे हैं उन सबके ऊपर हम हर से गलत फेर दें तो तुम जो हमें डराते हो वो अजाब हमारे सामने ले आओ या तुम दूध ने कहा वो तो तुम्हारे पर आ चुका तुम्हारे रब की ना पर नाराजगी और गंदगी जो तुम पर आ चुकी क्या तुम मुझसे चंद नामों के बारे में लड़ते हो जो तुमने खुद रखी है या तुम्हारे आबा अजदाद में रखी है और जिसकी कोई दलील खुदा की तरफ से नहीं आई है तुम इंतजार करते हो और तुमसे पहले मैं इंतजार करता हूँ अजाब का। फिर हमने उसको बचा दिया और उसके साथियों को बचा दिया अपनी रहमत से और हमने उन लोगों की जड़ ही काट दी जो हमारी आयतों से इनकार कर रहे और किसी हाल में ईमान लाने का तैयार लकद अरसलना नूह इला कौमिही अन्नहुम कौमुन काफिरून। इसकी आयत जो वाकया चल रहा है जो इंसान जिस तरह की
फरमाया था कि जमीन को हमने एक सवार पर तुम्हारे हाथ में सौंपा। जमीन अल्लाह के कानून की दाद थी और अल्लाह की बनाई हुई कायनात है, और जब कभी अल्लाह की बनाए हुए की हकीकी के साथ फसाद करता है। फसाद इस्लाम के इस्लाम में नाम है अल्लाह के वाहनानी का इस्लाम की तरफ नाम। अमन इस्लाम का नाम है इस बात का कि अल्लाह का कहना की बात की जाए, और जिहाद नाम इस बात का कि जिंदगी को इस अमन के लिए तैयार करें। ये मैंने सुना इसलिए कहा कि आज ही मैंने अपने राजी महासागर काफी साहब का खत पढ़ा जिसमें मैंने फरमाया है, मैं अपने तरफ से फरमाया कि अमन जो है वो तो इस्लाम का उसूल है और जिहाद जो है वो सिर्फ इजाजत है। जिहाद इजाजत है और अमन उसूल है। इसी हिसाब से लोगों ने प्रश्न करते हुए अपनी जान बचाने के लिए लिखा है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अमन से मुराद है इस्लाम। इस्लाम इस्लाम अमन कहता है इस्लाम से, या तो किसी के अलावा भी बात है इस्लाम। यहाँ इस्लाम के अलावा कोई भी निजाम है या तो कुरान उसको फसाद करता है, जिंदगी का फसाद है। अमन नाम है इस्लाम का, यकीन इस्लाम कैसी यही भी उन्होंने इस्लाम आना चाहिए। अम यकीन इस्लाम कैसे, लेकिन अम से मुराद कुरान हमेशा इस्लाम लेता है। ये वाला फसाद नहीं कि छोटे वाला फसाद आते शुरू होते हैं, फसाद नहीं है इस्लाम के कुरान के अहम फसादों को फसाद नहीं कहते हैं। फसाद नाम है अल्लाह की दात से समाज की नहरी खुलाने का, और इस्लाह नाम है समाज का एक बार फिर अल्लाह की दात करना। कायनात अल्लाह की दात करती है, जमीन जान सारे सूरज सब अल्लाह कहना मानते हैं। ये वो इस्लाह है जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने जमीन को बनाया है। अब जो कोई भी दुनिया में कोई ऐसा उसूल चलाता है जो अल्लाह के कानून से अलग है तो वो फसाद फैलाता है। अल्लाह ताला फरमा रहा है जमीन में फसाद मत फैलाओ, क्योंकि खुदा ने उसको इस्लाह के साथ पैदा किया है, और अम्बिया इकराम इसलिए आते हैं ताकि जो फसाद दुनिया में फैलाए गए हैं उनको एक बार खत्म करके और इस्लाह पर दुनिया हो। यही अल्लाह के अहकामात की दात दुनिया में। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम देखते रहिए कि पूरी कायनात में आसमान की तरफ नजर उठा कर देखो कि दीन है मुसखरात उल अम्र, जो अल्लाह ने कवानीन बनाए हैं उन कवानीन के मुताबिक तुम्हारी गति चले। जमीन में तुम देखो कि जमीन में बादल उठते हैं, बादल उठने के बाद मुद्दा जमीनों पर बरसते हैं, और मुद्दा जमीनों से कहीं झाड़ झंझाट छूट उठते हैं, कहीं जो है गुले गुलजार की जाते हैं। जमीन की सलाहियत के ऊपर मनसूब होता है। जमीन में अगर सलाहियत होती है तो वही बारिश फूल उगाती है और वही बारिश झाड़ झंझाट उगाती है। बारिश सबके लिए अच्छा होती है, बारिश से रखना है। हिदायत की जो बारिशें अल्लाह की तरफ से नाजिल होती हैं जमीन के ऊपर, कहीं बरगोबार लाती हैं वो, कहीं झाड़ झंझाट पैदा करती है, कहीं मुखालिफिन खड़े होते हैं, कहीं हक परस्त खड़े होते हैं, और इस तरह से आदिवासियों को बादल का एक मैदान बनता है। दुनिया में एक हक के लोग होते हैं जो अल्लाह की रहमत को अपना लेते हैं और उसके मुताबिक माहौल की तामीर करने की कोशिश करते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो झाड़ झंझाट होते हैं जो उसी बारिश के नतीजे में पैदा होते हैं और वो फतीजाकार रहते हैं। ये बात यहाँ पर बादल से भर जाते हैं झूलों से, हम उसे हाथ देते हैं इन बादलों को किसी मुद्दा जमीन की तरफ, यानी हमारी रहमत किसी मुद्दा जमीन को फसल करने के लिए चली जाती है। फाजल नादी माँ अपने माँ से पानी बरसाते हैं, फाखज नादी में जिले सम्राट व बारिश तरह तरह की फल ले जाती है। बजार के नुकसान दिल मौता, और यूं ही हम मुद्दों को भी जिंदा कर देंगे जैसे कि दुनिया में नजारा देखते रहते हैं। बलबला तो सही मुझे से जो नवादी रबी फिर होता है, बस बारिश की नतीजे में जो सारे सरजमीन है वो फल उगाती है, फूल उगाती है। वह लगी खबू था लायक है जिला नतीजा, और जो जमीन खराब होती है वो कुछ नहीं उगाती झाड़ झंझार के अलावा। हालांकि वही बारिश है लेकिन वो नतीजा झाड़ झंझार की जमीन जमीन खराब है, जमीन अच्छी नहीं है। बेजार के नशा की लायात हम समझाने के लिए अपनी बातों को इस तरह से उठेर कर प्रयास करते हैं, उलट उलट कर प्रयास करते हैं। इस बात की बड़ी वजाहत के लिए अल्लाह तबारक तआला यहाँ से अब फिर आगे जैसे आपको बातों को बयान करता रहा है। आगे की बहुत से रुकू के अंदर अंबिया इकराम की दास्तानें हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम हैं, आगे से हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का किस्सा है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा से और भी ये पूरा एक आगे तक सही रुकू चलता चला जाएगा। तो उस बात को समझाने के लिए कि एक ही बारिश हिदायत के नतीजे में पैगंबर भी आए हैं जिन्हें हिदायत भी दुनिया से दी, किसने उनके पैगाम को माना है, किसने उनको रद्द कर दिया है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सारे समाज ने अल्लाह की हिदायत से आगे सर झुका दिया है, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि दुनिया में शैतान का दबदबा छा गया हो और अल्लाह की तरफ बात करने वाला कोई नहीं रहा है। हक हमेशा सही रहा है, हक
हमेशा जिंदा जिंदा जाविदा रहा है, बाकी देखो हमेशा अल्लाह से लड़ता रहा है, लेकिन अंजाम क्या हुआ है, बयान चार खत्म याद कौन हुआ है, इस लड़ाई के अंदर क्या रिजल्ट निकलता है, वो सारा का सारा अल्लाह तआला ने बीवी के अंदर बयान करवा रहा है। सबसे पहले हम लफ़ असल अलैहि लाखों में हमने लूम को अपनी कौम की तरफ भेजा, उसकी कौम की तरफ भेजा, मालिक आका इसको अरब में इलाह कहा जाता है। इसके अलावा तुम्हारा कोई हाकिम कोई मालिक कोई आका नहीं है तुम्हारा अल्लाह के अलावा, यह अगर तुम्हारे इस्लाम में पैगाम दिया तो सबसे पहले नूह अलैहि सलाम की बात की अल्लाह ताला का इसमें हमारे लिए क्या सोचने के अंतर निकलते हैं। नूह अलैहि सलाम को सबसे पहले अल्लाह ताला ने क्यों तस्करा करना है, हम सब जानते हैं कि नूह अलैहि सलाम जो है दुनिया की तस्वीर अब मौजूदा तस्वीर हम सब की तरफ दिया था नूह अलैहि सलाम, ये तो हम हजरत आदम अलैहि सलाम की देते हैं सारे के सारे आदम और हव्वा की औलाद, लेकिन आदम और हव्वा का खानदान पूरा का पूरा आप जानते हैं खत्म हो गया था, एक सैलाब आया, सैलाब के नतीजे में जमीन का जिंदगी का नाम निशान मिट गया, उसके बाद जिंदगी की असरत आनी हुई है, इसलिए नूह अलैहि सलाम को आदम इंसानी कहा जाता है, तो वो सारे इंसानों के बाप कहे जाते हैं नूह अलैहि सलाम, और नूह गोया मौजूदा इंसान में से अबुल आबा है पहले इंसान, इसलिए वो इस बात के मुखलिफ है इस कहानी को वहां से किया जाए जहाँ से गुमराही और जलालत फैलना पहली बार की थी। नूह अलैहिस्सलाम से पहले तो एक तौहीद का माहौल था और उसके बाद कौन गुमराह हुई नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में आकर पहली बार सबसे रवि अपनाया, फिर वो फना कर दी गई थी जिंदगी और फैलना की थी है, तो उस वाक़े को नूह अलैहिस्सलाम से कहानी भी शुरू किया जा रहा है। एक अजीब इतिहास ये है कि जिस मुल्क में रहते हैं या जिस मुल्क में चाहे हिंदुस्तान क्या बल्कि मुल्क में और ईरान में भी जो तूफान नूह की कहानियाँ मशहूर हैं जिस वजह से आलम जी तूफान पानी का आया है ये सारे ममालिक के अंदर पाई जाती है, ये पूरी जो चैन है मिस्र में और ईरान में हर जगह हिंदुस्तान में, और फिर वही किस्सा जो कुरान करीम बयान फरमाता है वही इस सब यहाँ मजहबी दास्तान में पाया जाता है, वही किस्सा यही हिंदुस्तान के अंदर भी मौजूद है। हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी शख्सियत है हिंदू जिसको ये काबिल इहतराम मानते हैं ये मानू है जिसको ये मनु कहते हैं, मनु कहते हैं या मनु का जो शांति चलाते हैं ये मनुष्य की उनका कानून है मनु या इसमें महानु है महानु ये किताब आई है कि फ्रांस का इसमें लिखने वाला है लू मैनस बहुत जखीम किताब है पूरी उसने 40 साल तक हिंदू मजहब की रिसर्च करने के बाद खराब की थी टूबाइन उसका नाम है काफी मुसमिक का उसने किताब लिखी है तो उसने तहजीब के बाद उसने लिखा है कि तमाम जो वेद हैं जो पुराण हैं जो भागवत है इस तहजीब के बाद उसने लिखा है कि हिंदू की जो सबसे मुकदस शख्सियत है वो महान है ये दो अल्फाज में से मरकर है महा यानी अजीम महा माना अजीम कहते हैं और नूह है जो नाम है जो नूह और इस्लाम कहते हैं उसी को वेद मनु कहते हैं तो ये महानू के बारे में तमाम कहानियां वेदों में यही है कि चल पहले आया पूरी दुनिया में पानी का तूफान आया फिर एक कश्ती में महानू अपने साथ रस्सी को लेकर सवार हो गया और साथ रस्सी को लेकर उस कश्ती को खुद रिश्ते चला रहा था वो कश्ती रिश्ते चला रहा था फिर एक कश्ती जाकर रुक गई और रुकने के बाद जो अभिज्ञा फिर कश्ती थी उसी के बाद कश्ती ये कहानी आपको पुराने में जाएगी या आपके भागवत के अंदर दी जाएगी और इसी कहानी को उसने लिखा है हिंदू मेहनत एंड कस्टम इस बात का नाम जो याद आया हिंदू मेहनत एंड कस्टम इसके अंदर उसने किताब के लिए 48 की है 48 की उसने पूरी तस्वीर की बात की है कि हिंदुओं की जो अकायद है उनके रूप से महानु जो है उसका रुचि है कलयुग जो तस्वीर होता है वो महानु रुचि होता है कलयुग जो मौजूदा जमाना है और किसी भी अपना जो फन बनाते हैं और अपनी जितनी भी तारीखी वाकियात की है जैसे हमारा फन हिंदू है या ईसाई ईसाई है ईसवी है वैसे हिंदुओं का फन जो है ये शुरू होता है जल के लेके कलयुग से शुरुआत होती है वही में शुरू होती है मनु की पैदाइश से जो है वो शुरू करते हैं मनु आदम अलैहिस्सलाम को भी कहते हैं हिंदू मनु आदम अलैहिस्सलाम को भी कहते हैं हम भी आदम सानी कहते हैं नूह अलैहिस्सलाम को ये आदम अलैहिस्सलाम को भी मनु कहते हैं नूह अलैहिस्सलाम को भी मनु कहते हैं वो सारी वाकियात कहते हैं कि
जो है बाई पंखी से जो है पैदा हुई है, रूपा जो है रूपा जो है बाई पंखी से पैदा हुई है, मनु की जैसे हमारे यहाँ मसीह जहाँ जो है बाई पंखी से पैदा हुई है, तो वो जहाँ रिवायत भागवत में मौजूद है। इसका मतलब ये कि ये कंफ्यूज है, अरे दादा इस्लाम के लिए उन्होंने कहा है और हरे कुमार इस्लाम के लिए उन्होंने नहीं कहा है। और उसके बाद दीगर हमें ये चीजें मिलती हैं कि जिसको हम नू वाले स्थान कहते हैं उन्हीं को ये मनु कहते हैं। यूजली हजरात बहुत से ऐसी पढ़ाई जो हम मिलते हैं, मसीह जो ऑस्ट्रेलियन है विद्यालय की किताब है हिंदू मुस्लिम क्रिश्चन जिसने लिखा है कि हिंदुस्तान में जो आर्य आए जिन वाहिद ये अल्लाह का पैगाम लेकर के आए थे और इनके यहाँ फादर मनु लेकर के आए, फादर मनु आर्यों को यहाँ लेकर के आए भारत में, और ये वाहिद लोग थे ये मूर्ति पूजा के कायल नहीं थे, हिदायत को तकसीम करता है नूह अलैहि सलाम की कौम में और इसराइल मन हबल्ला हमने दो कौमों की तरफ हिदायत दे दी है, वो लोग की नूह के साथ किसी पर सवार हुए वो हिदायत लेकर के आए इस्लाम ये दोनों इब्राहिम इसराइल है और नूह अलैहि सलाम की जो हुज़ूरियत है ये बिल्कुल अलग है। और जबरी जो नस्ल की नस्ली जो तहकीकत है उसकी रूप काफी ऐसा कुरान करीम करता है पूरी दुनिया में नस्लें दो किस्म की होती हैं, ट्रांसमेटिक रेसिस होती हैं और एक फोनेटिक रेसिस होती हैं। तो जिसमें जो इसराइली कौमें हैं ये इसराइली इब्राहिम और इस्लाम की यूनिट है, ये फोनेटिक नस्ल रेसिस में आती है और ये आर्यन नस्ल जो है ये नॉन फोनेटिक में आती है जो कौमें में होती है। और दूसरी गलती नहीं होती है तो कौम नूह जो है दरअसल ये हजरात हैं कुरान करीम में इनको साबिरी कलम किया गया। इसलिए मुझे किसी ने यहाँ किताब दी थी किसी पंडित जी की, तो किताब मुझे स्वागत की थी नौजवान ने दी थी, उससे अंदाजा कर रहा था और उससे मुनासिब थी। एक किताब और है पंडित वेद प्रकाश किताब दिया, उन्होंने कुरान करीम के ऊपर एतराज किया कि ये कुरान करीम कैसी किताब है जी, ईसाइयों का दस्तियाद कर रहा है और यहूदियों का दस्तियाद कर रहा है जो तो दुनिया में थोड़े से हैं लेकिन इन्हें हिंदुओं के बारे में कुछ नहीं मालूम है जो तो दुनिया में फैले हुए हैं, हिंदुओं का कहीं दस्तिया कुरान करीम के अंदर में। आखिर ये कैसा कुरान है, ये कैसा अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है कि जिसने इतनी छोटी कौम का दस्तिया जो है क्योंकि वो मदीने में रहती थी लेकिन भारत से जो दूर था और वहाँ पर इतनी बड़ी कौम रहती थी विशाल भारत हिंदुओं के कोई दस्तिया ऐसे नहीं है कुरान करीम के अंदर। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है अगर इल्लाह की किताब है जो उसने हिंदुओं को दस्तिया होना चाहिए तो हम कहते हैं कि कुरान करीम में हिंदुओं का दस्तिया इमन अमल्ला मानून जो है या साबीन जो है ये काफ़ों से मौजूद है तफसीर इब्न कसीर में अब्दुल रहमान इब्न ज़ैद के कौल बकायदा मौजूद है कि साबीन को कुरान करीम ने कहा है या एलीम के बारे में कहा है साबीन ये लबीन आमनू और लबीन हादू और नसारा व साबीन ये लोग यहूदी हैं जो नसारा हैं और जो साबीन है ये एलीम के बारे में कहा है और ये कौम नूह है। साबीन जो है कौम नूह है ये तफसीर की बावनों के जगह में दाय लिखा हुआ है। तो कुरान करीम सबसे पहले नूह अलैहि सलाम का वक्त तस्दीक कर रहा है कि जिंदगी की शुरुआत उनकी हुई है हमारे तस्दीक भी और दुनिया में जितनी भी दास्तानें मशहूर हैं हिंदुस्तान में और ईरान में शुरू से भी और खुद हमारे बदवतन में हिंदुस्तान के अंदर भी चलिए शुरू होता है वो नूह अलैहि सलाम से शुरू होता है। नई जिंदगी की शुरुआत अजल के लय के बाद अभी तो अयोध्या टिकट मुझे दिखाई देती है लेकिन मैं समझता हूँ शायद वो कुरान करीम की जीवी है कि जब कहा दुखा तो जीवी पर कसी को दे दी जीवी को अयोध्या समझ बैठे हो जाए तो कुरान करीम नूह अलैहिस्सलाम से इसलिए शुरू कर रहा है इस आवेदन से हमको बातिल को कि यहाँ से ये बातिल होती है तकदीर का पहली बार अल्लाह के पैगाम या खुदाफत से पहली बार लाया गया नूह अलैहिस्सलाम के साथ और उसके बाद कौन का अंजाम क्या हुआ لقد اصلنا نوحا الى قومه ده ايه جو ہے اس کی بات کام پہ اچانک کی اگئی ہے نہیں وہ کہتے ہیں راجہ یہ لکھ کر میں سٹڈی کر کے آیا تھا اس پر ماہ کا صحیح میں صاحب نے بہت اچھا کچھ لکھا ہے یہ ہندو میں اور قوم نے اندر جو مماثلت انہوں نے دکھائی ہے اور نو علیہ السلام کے یہاں پر آنے کا جو تذکرہ انہوں نے کیا ہے جیسے جیسے انڈیا میں وہ آئے سارے انہوں نے تاریخی واقعات کے اندر نو علیہ السلام آئے ہیں قوم منو سمرس کے نام سے ان کی یادگار آتی ہے یعنی منو کشتی والا یادگار گجرات کے 12 کلو میٹر دور جو ہے
नारिंदा कहाँ से वहाँ वहाँ से राष्ट्रीय पर राष्ट्रीय जो कि 44 चौड़ी उसके ब्याजार कहाँ बनी हुई है उन्होंने बड़ी 40 किलोमीटर है और हिंदी स्टोरियन के हवाले से उसका भी सारी किया है सारी की है कि वो यहाँ आए हैं हिंदुस्तान तूफान के मस्ते के बाद और ये जो यहाँ पर तहरीक का पैगाम पहुँचाने के लिए आए वो मेरी है अल्लाह एक अल्लाह के खिलाफ की आए इस बाद में यहाँ ऐसे फैल गया जैसे हमारी मुसलमान कौमों के अंदर फैलता जाता है फैलते चला जा रहा है ये भी सिर्फ फैल गया लेकिन यहाँ पर ये मुसाही का पैगाम लेकर के आए तो लकत असल हर इलाका और तो और बहुत सी उन्होंने ऐसी पहचानें बताई हैं और मीनू की तालीमत है जो इनकी तालीमत है और मीनू का किला भी खाने काबा ही और खाने काबा जो चला रहा है दादा अली सैनी के जमाने और रिवायत यहाँ पर कहती है काबे को काबा इसलिए कहा जाता है कि काबा उभरा हुआ होता और ये सबसे पहले जो है तकलीफ कायनात के सिलसिले में जो उमर करती थी जगह आई थी यही थी उसके अर्थ में काबा इसलिए उसे काबा कहा जाता है ये रिवायत हमें नहीं है हमारे हादिस में है यूपी में कि काबा गोया कदीम चीज है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे को तामीर नहीं किया है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ काबे की बुनियादें उठाई काबे की तामीर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नहीं की है कल आपने बकरी की बहुत तकलीफ सुनी होगी उसमें काबे की तामीर का तस्वीर आया होगा काबे की तामीर नहीं की है काबे की सिर्फ बुनियादें उठाई इब्राहिम काबे की बुनियादें उठा रहे थे इन बुनियादें बनी बनाई थी काबे को हमें तलाश किया उस पर दीवारें उठाई तो काबा पहले से मौजूद है और वो अंबिया किराम का किला भी रहा है और पूरी इंसानी का किला रहा है तो बताया कि ये राजी है भारत में रहते हैं उनके सारे मंदिर जो किसी है किला रुख है उनके पश्चिम मुख कहते हैं लेकिन वो किला रुख है सूरज रुख कहते हैं सूरज वंश अपना कहते हैं लेकिन किला रुख और सारे के सारे के काबे में सात नवाब किए जाते हैं उनके यहाँ सात फेरे लिए जाते हैं जो एहराम पहना जाता है उसी के लोग साड़ी के साथ कहते हैं जो वहाँ पर हर हल्क कराया जाता है उसी के नियमन कहते हैं अभी बात करते हैं नाम रखते हैं सर मिलते हैं बच्चे का नाम रखते हैं लेकिन नियमन कराते हैं नाम रखते हैं और इस तरह की सारी चीज़ें इस सारी बात की अलामतें हैं कि अगर अभी तक चश्मा इसका चश्मा एक था लेकिन बाद में मुनहरिफ होकर तरह तरह की गुमराहियाँ फैल गई और कोई ये वो लाइन जो बदली तो बहुत दूर तक गया दूर दूर चल गई फिर मैं गया पूरा हुआ सबक याद दिलाने की जरूरत इस तरह की बहुत सी चीज़ें उन्होंने सीखी हैं जिसमें मेरे जहन पूरी तरह से नहीं है किसी वक्त आया अगर इस तरह कोई तस्वीर आगे तो मैं तस्वीर से आपको इस मौजूद की तरफ डालूंगा लकत असल अनोखा इलाका उनकी हमने हुआ इस्लाम जो भेजा उसकी फॉर्म की तरह इससे मैं कह चुका हूँ कि उसके मिराज यही नाम समझ गया कि उन्होंने यही आर्या यही जो कौमें जो है ये हैं जो उनकी तरफ हमने भेजा जो ये हमारे बरादरान वतन की कहानी बयान कर रही है ये अपने आप को सबसे कदीम फॉर्म देखते हैं और अपने वेदों को ये कहते हैं आदि आदि ग्रंथ यानी सबसे कदीम खुदा की किताब आदि ग्रंथ कहते हैं और यही लफ्ज है जो कुरान करीम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की किताब के बारे में इस्तेमाल किया है वही नव लही जिबरी अवली यानी आदि ग्रंथ कदीम तरीन खुदा की किताब कदीम तरीन कौम ये अपना कहते हैं कदीम तरीन कौम कौमी जितनी कौमें हैं तो इस बात के वादे क्राइम है कि ये अपने उन्हीं से खिताब हो रहा है لقد ارسلنا نوحا الى قومه نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان کو ہم نے بھیجا اپنی قوم سے کہا یا قومی عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ اے میری قوم صرف ایک اللہ کو اپنا الہ سمجھو اپنے ہاتھ میں اپنا مولا اور اپنا آقا ما لکم من الہ غیرہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی آقا کے ہاتھ نہیں ہے اسی کے بجائے ہوئے نظام حیات کے مطابق زندگی بسر کرو ایک بڑی غلط فہمی ہے تو آپ بھی چل رہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پرانے کریم جو ہے ایک مکمل نظام حیات اسلام ایک مکمل حضور ابو صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کر کے آئے تو ایک مکمل نظام حیات لے کر کے آئے دیگر جتنے خدا کے پیغمبر آئے ہیں وہ مکمل نظام حیات لے کر کے نہیں آئے اسلام ایک مکمل جامع نظام حیات ایک جامع شریعت ہے اور اس سے پہلے خدا کے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ ناقص شریعتیں لے کر کے آئے ہیں وہ مکمل نہیں یہ مسلمانوں نے غلط فہمی کری یہ غلط فہمی ہے خدا کا ہر پیغمبر مکمل نظام لے کر کے آیا ہے اور مکمل شریعت لے کر آیا ہے کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہر قوم کی یہی دعوت ہر پیغمبر کی یہی دعوت رہی ہے کہ خدا کے سوا کوئی الہ نہیں مالک من الہ غیر ہر ایک کا نظام مکمل تھا ہر ایک کی شریعت مکمل تھی اور زندگی کے سارے پہلوؤں کو تک کرتی مذہب میں اور غیر مذہب میں زندگی کی تقسیم کہیں کبھی نہیں کی گئی کہ زندگی کچھ حصہ تو اللہ کو دے دو اور کچھ دوسرے کو دے دو کیونکہ پیغمبر نے اس بات کی اجازت دی مالک من الہ غیر بس یہ ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں تو تمدن کے دور کامل میں آئے یعنی اس وقت آئے ہیں جب کہ زندگی مکمل ہو گئی زندگی ہر پہلو پر ایک نظام بن چکی ہے اسی نظام میں آ گئی ہے
और पहले साधन मिली थी इंसान की, वो स्वीकार कर लिया हालिया फंसा करके, इकट्ठे हो गया जिसमें आया तो हम लगा लिया मकाम लगा लिया, इतनी साधन मिली थी। तमद्दुन मुकम्मल नहीं था, लेकिन जितना तमद्दुन था उसके लिए सही थे मुकम्मल आए पूरी। ऐसा नहीं है कि इंसान की रहनुमाई के लिए कहीं और जाना पड़ा हो, और पैगम्बरों के यहाँ जब इस्लाम हजूर अलमुद के साथ जामे निजाम लेकर के आए हैं और बाकी औसत नाफे निजाम लेकर के आए थे, ये बात भी जरूरत है। मालकुम में निलाइन लगा दू, पैगम्बर की दावत यही रही है, खुदा के अलावा तुम्हारा कोई हाकिम कोई आका नहीं है, हर रहनुमाई किसी से लेना है। फर्क सिर्फ हुआ कि हजूर अलमुद के साथ तस्लीम आए दौर एम के अंदर, उस वक्त जब तमद्दुन पेश दरपेश होकर के मुकम्मल हो चुका था, हर चीज इकतसादियात आकियात सियासियात फौजी शोबे हुकूमत बाकायदा एक मुरक्कब निज़ाम बन चुका था। कबायली सिस्टम नहीं था, कबायली सिस्टम है ऐसा नहीं था, बाकायदा शहर आबाद हो गए थे, मुल्क बन गए थे, हुकूमतें वजूद में आ गई। उस वक्त आप तकलीफ लाए हैं, एक सियासत मुकम्मल मुकम्मल कब्जा कर चुकी थी, इसलिए इस्लाम उस दौर में आया कि जाहिर जैसे मुकम्मल रखाई थी, लेकिन अपने अपने दौर में हर दिन मुकम्मल था, नाकिस कोई भी नहीं, कभी भी नाकिस नहीं। तो उन्होंने कहा कि ऐ मेरे कौम, अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई हाकिम आका नहीं है, मालकुम इल्लाह हुवा। और नूह अलैहिस्सलाम ने जो दिया हिदायत दी है, सावन दावा लगता है कि इन लोगों ने खुदा की रिलीजियस के माने लिखन देते, खुदा को मानने की खुदा की आगे इबादत की जाए, वो खुदा की इबादत करते थे, लेकिन दिन के मामला में उन्होंने जो अपने निजाम बना रखा था उसको बस चलते थे, ये सोचते थे कि इसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि खुदा की रिलीजियस में लिखी जाए। नूह अलैहिस्सलाम जब भी कहते थे कि इसके सिवा तुम्हारा कोई इलाह नहीं है, तो उनका मतलब यही होता था, वरना अल्लाह को तो वो भी मानते हैं, तभी तो कह रहे हैं कि उसके सिवा तुम्हारा कोई नहीं है, मानते खुदा को वो भी है, खुदा की इबादत भी करते हैं, लेकिन जिंदगी में रहनुमाई दूसरी से भी ले रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं, तुम्हारा कोई आता नहीं है, कोई हाथी हाथ वाले को मजाब यही हाजी। और मैं इस बात से डरता हूँ कि एक बड़े दिन का आजाब तुम्हारे पर आएगा, आखिर नहीं बल्कि नहीं तो यकीन आएगा, वहां तो आएगा, यहाँ पर दुनिया में जो कौमें एक नबी की दावत यहाँ से झुटला देती है, दुनिया में उनको तबाह बर्बाद करने वाले आजाब आया करते हैं, वो आजाब यही हाजी होता है। कौन के लोगों ने कहा, कौन के सरदारों ने, बड़े लोगों ने, दानिशों ने कहा, हमें तो ये लगता है कि आप किसी गलत फहमी में हैं, इन्ना लनरा कफी गलाली नहीं, आप शायद अपना खुदा चाहते हैं, खुदा के नाम से, खुदा के नाम की आड़ में आप खुदा के नाम से ले रहे हैं, लेकिन उसकी आड़ में जैसे आप अपना खुदा चाहते हैं, आपका मकसद ये आप बड़े बन जाए, गुरु तो मुतफ़ अलैकुम ये इल्ज़ाम है, ये चाहता है कि हमें सबसे बड़ा बन जाए, और साफ तो होंगे आप नूह अलैहिस्सलाम के बारे में जितनी आदियों से कलेक्ट करें तो साफ आपको तसव्वुर मिल जाएगा कि नूह अलैहिस्सलाम दरअसल वक्त के उन खुदायों की खुदाओं की तरफ इशारा कर रहे हैं जिनके इशारों पर निजाम इंतजाम चल रहा है। मैं इसकी बात नहीं कह रहे हैं कि ऐ कौम खुदा की नमाज पढ़ा करो, ये नहीं कह रहे, ऐ कौम खुदा की नमाज पढ़ रही है, वादे कर रहे हैं इसलिए नूह अलैहिस्सलाम की देखो कौम अगर तुमने अल्लाह को मान लिया तो तुम्हारे देश सर्द हो जाएंगे। कह रहा है कि वजन पूरा तो कहता है लापा खरीदी
में आएगा, लाकर खुदूरी के लिए शराब जाके मत डाला करो। ये समझा रहे हैं खाली, आखिर से तो निकल भी नहीं आ रहा है। जाके मत डालो, कोई कह रहा है लड़कों के पास जाओ, कोई कहता है मतलब पूरा चलो। ये सब समाजी इस्लाह का प्रोग्राम चल रहा है, क्यों चल रहा है? पैगम्बर ये बात क्या दुनिया के धंधे में कहाँ पड़ गए? आखिर सुनाते इसमें क्यों कर दिए? मतलब ये अंबिया इकराम जो होते हैं वो इंसान करो से ज्यादा इसमें वाले होते हैं, वो जानते हैं क्योंकि जाहिर को आवाम को इस पर आवाम के सामने इस तरह से मिसाइल है, उनको बुनियाद बना करके उनको खराब नहीं किया जाएगा, वो चीज आवाम की बिल्कुल नहीं किए। और उसी एतबार से भी धीरे धीरे वो कुछ आखिरत इंतजार आखिरत की लाते हैं अंबिया इकराम के दौर में, और आपकी दौर टेक्नोलॉजी का इल्म है इधर की तरफ की आपकी खिलाफी देखी जाएगी, लेकिन मौजूद को उसी एतबार से इस्लाम की दावत के लोगों तक पहुँचाएगा। किताब आई है उसमें लिखा है किताब का उन्होंने इस्लाम और ईसाइयत एक हिंदू की नफरत है, इस्लाम एंड क्रिश्चियन उसको किताब अभी 5 दिन में तस्करा दिया है। उसमें चीज ने ये बात लिखी है कि इस्लाम का ये कहना कि तौहीद कि अल्लाह ही एक है और वही कायनात को चलाता है, वही निजाम को चलाता है, ये इस्लाम की गलत फहमी है और इसी गलत बात की वजह से सारी जिंदगी की ताबीर गलत हो जाती है। हकीकत में इस समाज में भी एक खुदा नहीं है, कायनात में भी बहुत सी ताकतें हैं, शक्तियां हैं जो शक्तियाँ काम कर रही है, एक शक्ति काम नहीं कर रही है, उनके कोऑर्डिनेशन से दुनिया चल रही है। इस्लाम यही से गलती कर देता है कि ये दुनिया पूरी एक खुदा पर चल रही है, जब यहाँ से शुरू होती है एक खुदा तो फिर हर जगह एकांतवाद से पड़ता है। ये राम स्वरूप ने बात लिखी है, वही बात है कि जो इस्लामी कौम वो इस्लाम से है। आप तो गलत फहमी पड़ गए हैं, इंसाफ है आपकी फिक्र में, बात को चेक समझ नहीं पा रहे हैं आप। सब बस अल्लाह ही अल्लाह है, हर तरफ यहाँ भी वहाँ भी जमीन पे आसमान में भी बबुलदी की समा इलाह मिला इला। आप गलत में है, आप अपने चक्कर में है, अपने साथ जाते हैं, अल्लाह का तो नाम खामखा ले रहे हैं आप। काला या कौम ही लई सदी गलालतुन, वो इस्लाम ने कहा नहीं है मेरी कौम में कोई बहकावा नहीं है, मेरी फिक्र मुनहरिफ नहीं है। वलाकिन्नी रसूलुन मिन रब्बिल आलमीन, मैं तो अल्लाह रब्बिल आलमीन का कासिद हूँ, उसके पैगामात को पहुँचा रहा हूँ। उबल्लिगुकुम रिसालात रब्बी, उसी के पैगामात पहुँचा रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, मेरी फिक्र कुछ नहीं है इसमें। वअंसहु लकुम, और मैं तुम्हारा खैरख्वाह हूँ, अब मेरे अपने अजाइम कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा खैरख्वाह हूँ। यही मेरा पैगाम भी है, यही मेरी नसीहत भी है, मेरी खैरख्वाही भी है, यही वो पैगाम भी है जो खुदा ने मुझको दिया है, यही तुम्हारे लिए सारी रिसालत के लिए मेरी खैरख्वाही भी है, इसी में तुम्हारी निजात है, इसी में इंसानियत की सलाह है, इसी बात को मानने में, इसी लज़ीज़ को मानने में। मैं आलम अल्लाह मा ला तअलमून, क्योंकि मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, मैं मुस्तकबिल में झांक लेता हूँ, मैं जानता हूँ इंसान की असल खराबी क्या है, इंसान कहाँ बर्बाद होता है और अजाब और इंसान की तबाही कहाँ छुपी हुई है, तुमको नजर नहीं आती, तुम सिर्फ कपड़े देखते हो सफेद चमकते हुए, उसकी पीछे गलाजत है वो तुम नहीं देखते हो, लेकिन मैं सब देखता हूँ आलम अल्लाह मा ला तअलमून, क्योंकि बात मैं समझा रहा हूँ। बल्लिगुकुम रिसालात रब्बी, मैं अपने रब के पैगाम तुम तक पहुँचाता हूँ, तुम्हारी खैरखाई कर रहा हूँ। अब तुम अंजाकुम, क्या तुम्हें इस बात का ताज्जुब है कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से कोई पैगाम आ कैसे सकता है? ये ताज्जुब तुम्हें हो रहा है, वो रब जो बारिशें भेजता है तुम्हारे ऊपर, जो तुम्हारी खुशियों को पकाने के लिए जाहिर होता है कि वो तुमसे गाफिल नहीं है, तुम्हें उस बारिश पर ताज्जुब नहीं होता, और वो तुम्हारी रूह के लिए बारिश बरसाता है, उसको तुम्हें ताज्जुब होता है। फिर क्या इस बात पर ताज्जुब है कि तुम इन्हीं से एक आदमी उठा और उसको खुदा ने मुखातब बना लिया आपने और तुमको नहीं बनाया? अला रसूल मिनकुम, इस पर तुम्हें ताज्जुब है कि तुम ही में से एक आदमी कैसे खुदा का कासिद बन गया? ये ताज्जुब की बात है, ये तो खुशी की बात थी, एक तुम्हारा ही दर्द आशना, तुम्हारे साथ रहने वाला, तुम्हारी तरह दुख सुख बर्दाश्त करने वाला, सारे तजुर्बात तुम्हारी जबान जानने वाला, तुम्हारे समाज में रहने वाला, वो तुम्हारा रसूल है, वो समझता है तुम्हारे मसाइल को, तुम्हारे दुख दर्द को, तो बहुत अच्छी बात थी। तुम और इससे ताज्जुब कर रहे हो, अब आज तुम क्या बात है तुम्हें ताज्जुब हुआ? जुमला अधूरा छोड़ देते हैं, पूरे ताज्जुब हुआ तुम्हें इस बात पर, आगे क्या क्यों क्या तुम जवाब से कुछ नहीं, जैसे अफसोस में आदमी अधूरा जुमला छोड़ देता है, ऐसे छोड़ देते हैं। तो क्या तुम्हें यह ताज्जुब हुआ कि एक आदमी तुम्हें से आ गया अल्लाह की तरफ तुम्हारी तुम्हें पैगाम देने के लिए, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें डरा दे, तुम्हें आगाह कर दे, तुम्हें सीधे राह पर चला दे? ये तुम्हें ताज्जुब की बात है, फकत जबू फाजेना, उन्होंने झुठला दिया तो हमने उसको बचा दिया, माँ हूँ उसके साथ जो लोग थे चंद उनको बचा दिया, वही लोग जिनकी नस्ल आज हम सब है, वही चंद लोग, बाकी तो सूर्य सारी जमीन सारे लोग नजदीक भी हमारे नजदीक भी, जिंदगी से जिंदगी का नाम निशानी मिट गया जमीन पर,
सबको खत्म कर दिया हमने, सिर्फ उस लोगों को बचाया जो उसके साथ थे। वल्लज़ीना मअहू फिल फुल्क, और ये मैं आपको बता चुका हूँ इस दर्श में, खुदा का ये कानून, जब आजमाइश आती है इब्तिला तो वो तो नेक और बद सबके लिए आती है इब्तिला, लेकिन अज़ाब जब आता है तो खुदा मोमिनों को बचा लिया जाता है। आजमाइश क्यों आती है? तो आजमाइश क्योंकि तस्कीर के लिए आती है, अल्लाह अल्लाह से जोड़ने के लिए आती है, अल्लाह की याद दिलाने के लिए आती है। आजमाइश में तो काफिर और मुस्लिम सब आते हैं, सब आते हैं, क्योंकि अल्लाह को याद करने की सभी को जरूरत है, काफिर को भी और मुस्लिम को भी। लेकिन अजाब से आता है तो अजाब में खुदा मोमिनों को बचा लिया करता है, और फिर उसमें तहते होते हैं, बर्बाद होते हैं, फिर वो जो खुदा की मुश्किल है। ये दो अलग अलग चीजें, लोग गलती से आजमाइश को और अजाब को एक समझ लेते हैं। इब्तिला और आजमाइश अलग चीज है और अजाब एक अलग चीज है। अजाब से कौम का सत्यानाश कर देता है, तबाह कर देता है किसी खास कौम को, पर्टिकुलर कौम को तबाह कर देता है, और इब्तिला और आजमाइश में सब शरीक होते हैं। तो अजाब जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला फरमाया कि जब जुल्म बढ़ जाता है या तुग़यान होता है या किसी को बर्बादी होती है तो मैं अपना अज़ाब नाज़िल किया करता हूँ उस कौम के ऊपर, पनाह कर देता हूँ, तबाह बर्बाद करता हूँ कि जड़ काट देता हूँ, ख़ताना अदाबिर अल्लज़ीन कहता हूँ, उसकी जड़ में काट देता हूँ। अगर कोई कौम जुल्म करती है, तुग़यान करती है और सरकशी करती है, तो आप समझते हैं कि हमें आस पास को नजर डालनी चाहिए और हमें देखना चाहिए कौन ज़ालिम है और जिनकी जड़ कटने वाली है, कट रही है, साफ जाहिर है ज़ालिम ही ज़ाहिर है, या जड़ जिनकी कट रही है वो भी ज़ाहिर है, कटने जा रही है बहुत जल्द, वो सब जाहिर है, हर आंख के सामने जाहिर है, पूरी दुनिया इस बात को महसूस कर रही है। उसको अल्लाह ने फरमाया कि हमने उनकी जड़ काट दी और हमने तहत को फना कर दिया, उनको जिन्होंने हमारे आया तो लाया था वो अंधे हो गए थे, न उनका कमन अमीन कुछ सूझ नहीं रहा था, उनको आंखों में पर्दे पड़ गए, उनके हक और बादल कुछ सुझाई नहीं दिया उनको। अंधे ऐसे अंधे जो बिल्कुल पट हो जाए, इनकी आंखें पट हो जाए, उनका अजाब, उनके ऊपर अजाब आते हैं खुदा के, वो बर्बाद हो जाते हैं, उन्हें कोई बचा नहीं। ये खुदा ने अपना कानून यहाँ बयान किया है। हो गया उन्होंने अगला रुकू भी लेता आज ही कुछ सवाल दस के बारे में। हर जबान में आई है, लेकिन सारी किताबें वो हो गई, तहरीफ हो गई, इंसानी आवाज़ इनमें हो गई, इसलिए हो गई है कि उनके बाद खुदा के पैगंबर आए, पैगंबर क्योंकि मौजूद थे बाद में आते रहे, हर पैगंबर के बाद दूसरा पैगंबर से जो गर्द पड़ती रही उसको साफ करता रहा। कुरान करीम के बाद क्योंकि हुज़ूर के बाद किसी पैगंबर को आना नहीं था, इसलिए कुरान करीम के लिए ये वादा किया अल्लाह ताला ने कि इसमें कोई इंसान की लयाबील बात नहीं रही वाला मसल की, इसमें कोई इंसान की आवाज़ नहीं हो सकेगी। बाकी इसके अलावा जितनी खुदा की किताबें आई हैं, तौरात है, इंजील, बाइबल जितनी भी है, ज़बूर है, सब में इंसानी आमेज़िश हुई है, उससे कुछ हो गई है, वो कहीं कहीं बस चमकते हुए दो चार अल्लाह ताला के वो रह गए, अब बाकी सब इंसानों ने अपनी मर्जी से उसको मिला लिया। तो हम ये थोड़ी कहते हैं आज भी जो तौरात है, जो बाइबल है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी बातें ज़रूर हैं जो अल्लाह ताला की नाजिल फरमूदा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर किसी एक ज़खीर किताब में कोई एक किसरे की तस्दीक कर दे तो पूरी किताब की तस्दीक हो जाती है, पूरी किताब की तस्दीक थोड़ी नहीं होती, एक किसरे की एक आध किसरे चंद किसरे तो हमारे नजदीक बाकी है, लेकिन उसमें इंसानों ने इतनी तहरीक कर दी है, इतना गदला कर दिया है, इतना उसमें मिला दिया है कि अब उसे हिदायत नहीं ली जा सकती है। अब सिर्फ कुरान करीम ही मुहैमिन है, यानी जितनी भी सच्चाइयां दीगर सारी किताबों में थी वो सारी मुहैमिन कहते हैं, अभी में उसमें पैसा रखते हैं, यानी कहते हैं मुहैमिन, कुरान करीम मुहैमिन है, यानी जितनी भी सदाकतें थी सब कुरान करीम में अपने अंदर समझ, अब किसी किताब की जरूरत नहीं रही, दीगर सारी किताबें इंसानी तहरीर से गदालू हो चुकी हैं, इसलिए हम उसकी जस्टिफाई या सर्टिफाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो हमको सर्टिफाई कर रहे हैं। और कुरान करीम में जो याद आएगा कुरान करीम तस्दीक करता है पिछली सारी किताबों की, मुसद्दिक़ुन लिमा बैने यदैह, जिसका मतलब ये नहीं कि कुरान करीम उनको सर्टिफाई करता है, तस्दीक करता है कि मतलब ये नहीं कि ये सच्ची है ये कहता है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि ये सारी किताबें बता रही हैं, ये सारी किताबों में आज भी मौजूद हैं वो सारे फ़िक़रात जो बताते हैं कि नबी आख़िरुज़्ज़मा आने वाले हैं, आज भी तुम देख सकते हो वो सारी पहचानें, वो सारी अलामतें ये अपनी किताबों में। तो ये रसूल आख़िरुज़्ज़मा जो पैदा हुए, ये कुरान जो नाजिल हुआ, इसने तो तुम्हारी इन किताबों को सच सच्चा कर दिया, यानी अगर ये नाजिल ना होते तो झूठी हो जाती इनकी बातें, वो बातें जिन जिन जिनमें इशारा है हमारे रसूल के आने की तरफ या कुरान के नाजिल होने की तरफ, अगर ना थे रसूल हमारे, ना थे या कुरान की किताब, तो वो दो चार जुमले जो रह गए वो भी झूठे हो जाते, वो भी सच्चे न रहते। तो इनके आने से दुआ दो कि इनके आने से और रसूल करीम के आने से
वो जुमले सच्चे साबित हो गए, लेकिन उनका मजाक आ गया दुनिया में। सिर्फ ये मतलब, ये मतलब नहीं कि उस किताब को सर्टिफाई किया जा रहा है। खुद मुझे तो कुरान करीम नाजिल इसलिए हुआ है ताकि साफ कर दे उन सारी गदलाहटों को जिससे सारे इंसानों ने किताबों में की है, और इसके लिए वादा है कि इसमें कोई इंसान तहरीक नहीं कर सकेगा, एक नुकसान एक नहीं बदल सकते। ये कुरान करीम दावा किया है और इस दावे को आप देख सकते हैं। अभी वेद चाय हुआ है, अमृतसर से चाय हुआ था अभी 30 बरस पहले, और आज का वेद देख लीजिए, मिला लीजिए दोनों एडिशन, मैंने खुद चेक करके देखे, 35 सफ़ा तो गायब ही कर दिए उसमें। और फिर इसमें क्या है, जितने भी दलितों के बारे में या हिंदुओं के बारे में ऐसे जुमले हैं जिन जिनके दिल को दुख होता है वो सब काट दिए, लेकिन सियासी जरूरत के तहत उसके अंदर कैसी चलाई गई, ये पढ़ के गुस्से में नहीं आए। लेकिन कितनी तारीफ होती, एक फ्रांसीसी मुसन्निफ है, वेदों के सिर्फ दो नुस्खे उसने रखे अपने सामने, तो उसमें उसने 350 फर्क चेक, 350 फर्क सिर्फ 10-15 साल के अंदर जो खत्म हुए। भारत की जो छवि भी है वो बिल्कुल अलग है, उसमें सुग्राम है, इसमें सुग्राम लिखा है, अब बड़ा फर्क पड़ जाता है बदकार और नेककार का। जो पटियाला छप रही है वो कुछ और है, जो अमृतसर छप रही है वो कुछ और है, जो बनारस छप रही है वो कुछ और है। आप खुद जाइए और इन लाइब्रेरी निकाल के देखिए, टैली करके देखिए, और कुरान करीम की ये है कि कुरान करीम का ये नुस्खा उठाइए, और आप जाइए हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के खून के नब्बे जिस कुरान करीम के ऊपर है, वो जो ताजखंड में रखा है आज भी, उसकी कार्बन डेटिंग कराइए, आप देखिए चेक हो जाएगा 1400 बरस पुराना है, कागज की क्वालिटी चेक हो जाती है, चेक हो जाएगा 1400 बरस पुराना है, उससे आप एक नुस्खे एक चीज का फर्क दिखा सकते हैं। बिल्कुल साइंटिफिक उसके ऊपर कुरान करीम कार्बन डेटिंग करके चेक करके दिखा देगा कि हमारे यहाँ वाकई हमने दावा किया था, एक लफ्ज बदला नहीं है, और वो 30 साल के नुकसान लागे नहीं दिखा सकते। तो जब अब इस दौर में इतनी तारीफात कर रहे हैं, तो उस दौर में जब प्रेस का जमाना भी नहीं था, और जब अपने पास ही भी रहती थी किताब, जो पंडित जी है उनके पास, जो दिल में जहाँ मिला लिया, जो जहाँ उसने दाखिल कर लिया अपने फायदे में, तो भाई देखे उसकी निर्णय क्या कर हुआ होगा, हम उसको सोचा नहीं कह सकते हैं। ये भी एक हकीकत है कि सबसे लास्ट सदाकत का एडिशन जो है सबसे करीबी कुरान करीम है, अब कोई इनके नजदीक 5 लाख बरस पुरानी कि 10 लाख बरस पुरानी, अब देखिए कि 60 बरस का एक साल मानते हैं कलयुग का, 60 साल का एक साल मानते हैं, अब कितने साल हो गए, वो इस्लाम के मुताबिक 60 साल से ज्यादा 1300 कुछ चल रहा है इनका सर, तो 60 से उसको मल्टीप्लाई कीजिए कितने साल हो गए, 1 लाख के करीब साल हो गए, अब 1 लाख साल पुराने हैं कम से कम भी, और ये 1400 बरस पुराने, कितनी करीब है ये लाखों जो करीब है वो ज्यादा काबिल कबूल होगा कि वो जो लाखों साल से पता नहीं कहाँ कहाँ कावस का जमाना भी नहीं था, किस चीज का जमाना प्रेस का भी नहीं था, जाने कितना घपला उसमें हुआ होगा। यही हमारा दावा है कि कुरान करीम सबसे ज्यादा तारीख की लाइट में पैदा हुआ है, आया है, फिर लाइट में हिदायतें इससे ली जा सकती है, और इसमें कोई जाहिर नहीं होगा, बहुत सारी किराए मार रहा हूँ, कोई बड़े से बड़े पंडित जी भी ये नहीं कर सकते कि तारीख सुधा नहीं मानते हैं। पतंजलि जो है पतंजलि जिनको बहुत बड़ा गुरु है, 5000 के करीब तो वो इसमें दिखाता है फर्क किताबों में, हर आदमी ने अपनी मर्जी से अलग अलग प्रांत और तस्वीरों की जैसे बाधी छोड़ी है, तो जो जो चाह लिख दिया जिसने चाह लिख दिया, लेकिन असल मतलब में टेक्स्ट के अंदर उनके यहाँ इतनी तस्वीर है। कौम अरबी का अलग होता है और उर्दू का अलग होता है, आपके पास अल्फुर्कान रखा है, चलिए आज मैंने ये भी पढ़ा था, ये घबला करते हैं उलमा इकराम, कौम अरबी का अलग है और उर्दू का अलग है, जैसे हकीम उर्दू में कहते हैं जो नुस्खा देखता है नमस देखता है, और अरबी में कहते हैं फलासफर को, अरबी में तबीब कहते हैं हकीम को, नुस्खा अरबी में कहते हैं नुस्खा इसको, जैसे पुराने गरीब का एक नुस्खा है ये, और यह कहते हैं जो हकीम लिखता है दवा, उर्दू नुस्खा कहते हैं, नुस्खा लिख दीजिए हकीम जी। अब अगर कोई अगर ये लफ्ज देख करके इसका तजुर्बा वो करने लगे कि हकीम साहब आए और उन्होंने नुस्खा लिखा अरबी का जाल हकीम वक़्त पर नुस्खा, तो आप परेशान हो जाएगा, फलसफी क्यों आया, कोई किताब क्यों लिख मारी उसने, कोई सोचेगा तो वो अलग लफ्ज है, ये अलग लफ्ज है। अब ये कौम जो है, कौम अरबी का अलग है बिल्कुल, उर्दू का अलग है, कुरान शरीफ में तो कौम निकालते हैं और उर्दू की कौम साबित कर देते हैं, कौम अरबी में सिर्फ कहते हैं अफराद के ग्रोह को, लोग किसी भी नाम में बन जाए, नजरियाती ग्रुप को नहीं कहते हैं कौम, नजरियाती ग्रुप को कौम नहीं कहते हैं, बल्कि बस नस्ल जैसे होती है खानदान नस्ल उसको कौम कहते हैं अरबी में, मिल्लत भी नहीं कहते, मिल्लत कहते हैं किसी भी माहदे ताहुद में शरीक जो लोग होते हैं किसी एक खास उसको मिल्लत कहते हैं, वैसे नेशनल जी
मतलब वो अरबी का कौन बोल रहे हैं ना अल्लाह इकबाल, ये उस वक्त कहा उन्होंने जब कौमी की बहस चल रही थी हिंदुस्तान में, कौम उदम से बनती है कि कौम मजहब से बनती है। तो हमारे कुछ हजरात जो थे वो ये कह रहे थे कौम वतन से बनती है, मिल्लत वतनस कौम वतन से बनती है। तो उसके बाद इकबाल ने कहा कि ये कौम जो उर्दू में चल रही है, ये नजरियाती कौम जो उर्दू में चल रही है, ये मजहब से बनती है, जमीन के टुकड़े से नहीं बनती है। जमीन के टुकड़े के ऊपर तो बैल बकरियां जमा होती है, एक जगह रह रही है, एक बाड़े में तो सब आपस में एक साथ निर्णय कर रही है, एक बाड़े में रही दूसरी एक साथ निर्णय करेंगे, या एक खेत में चल रही है तो आपस में बड़ी दोस्ती है। तो गुजा की बिना पर या जमीन के टुकड़े की बिना पर जानवरों में इत्तेहाद हुआ करता है, इंसानों में नजदीक बुनियाद पर इत्तेहाद हुआ करता है, इंसान एक नजदीक के लिए फाइट करते हैं। ये भी आदमी उर्दू बोल रहा है, मैं भी ये कोई बात नहीं है, या ये भी हिंदी बोल रहा है, जबान की बुनियाद पर कुछ इख्तलाफ नहीं है। अगर जबान में वो मुझे गाली बकरा है, मैं गाली बकरा तो कहां इत्तेहाद हो जाएगा, हालांकि जबान एक ही है। नजरिया एक होना चाहिए, चाहे जबान अलग अलग हो तो इत्तेहाद हो जाएगा। और जबान एक है और नजरिया अलग अलग है, या वतन एक है और नजरिया अलग अलग है, तो कैसे हो जाएगा इत्तेहाद? नजरिया से इत्तेहाद हुआ करता है। हम ये कहते हैं इस्लामिक नजरिया है, इसकी बुनियाद पर इत्तेहाद होगा, इत्तेहाद होगा। कुछ हजरात जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्हें एक इत्तेहाद पैदा करना था, नजरियाती, उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तान के अंदर रहता है वो एक कौम है, वो एक कौम बनेगी, वो इत्तेहाद बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि खुदा ना खास्ता करके इसको जिस तरह से बांट गए ये अंग्रेज, ये हमारी नफरत और मोहब्बत को भी हुआ तकसीम कर गए, ये लाइन खेल गया पेंसिल से कि आप इधर उधर मोहब्बत आप करते रहना, उधर उधर नफरत करते रहना। कल को खुदा ना खास्ता कोई और एक अदरटिंग हो गया और लाइन इधर कुछ और आगे खींच गई, तो अब उधर से नफरत करते रहना, इधर मोहब्बत करते रहना, एक हिमाकत की बात। कौमियत हमेशा। और जहां तक मदन की बात है, एक आदमी बेवकूफी तरह कहते हैं, कहीं गुलमाए ग्राम से मेरी बात होती है, भाई आदमी को तो अपने वतन से मोहब्बत होती है, हुजूर को भी अपने वतन से मोहब्बत थी। ये सहलंगारी के साथ बात करने की आदत है। वतन का मतलब क्या? आदमी पैदा होता है उसका हक होता है, पैदा तो आदमी या तो अस्पताल के बिस्तर पे होता है या चंद फीट के अंदर पैदा होता है, वो वहीं से मोहब्बत करते रहिए। उसको फैला के पूरा अस्पताल को फैला के पूरा कस्बा, कस्बे को फैला के पूरा मुल्क कहाँ को बना दिया आपने? जब इतना फैला रहे हो तो पूरी दुनिया ही बना लो तो क्या रहे, उसी को बोला तो क्या रहा, वहां पे क्यों रुक गए? उसके ऊपर जहाँ का खाते हैं, एक साहब उसे बोले यही कि बहुत बड़े मौलाना है वो, जहाँ का खाते हैं वही लगाते हैं, जिसका खाते हैं उसी थाली में खाते हैं, उसे तू करे। इसमें ताजुब हुआ, बहुत बड़े आलिम है, बहुत बड़े दर्जा के फाजिल है, जिसके खाते नहीं अल्लाह ताला खाते हैं भाई, हम तो यही मालूम था अल्लाह ताला खाते हैं उसे गाना चाहिए, वही मालूम था क्या? और जहाँ तक खाते हैं या तो अमरीका का पीएल 400 से गेहूँ खाया रहने के लिए, तो उसके गाय फिर मुझे गाना चाहिए। इस्लाम क्या मिल्लत बनती है? किस इस्लाम के नाम पर बनती है? कौमी इतिहास के लिए इस्लाम के नाम पर बनती है। इसलिए एक बड़ी अजीब बात, कुरान करीम ने कहा वलन तरदान कल यहूद वलन नसारा हत्ता तसबिया मिल्लता हूँ, मगर अरबी जानने वाले आपने कुछ लोग हूँ तो इस बात को महसूस करेंगे। अरे मुसलमानों, तुमसे यहूद और नसारा और कोई भी मुश्रिकीन कभी भी राजी नहीं होंगे जब तक तुम उनकी मिल्लत का इतिबा न करो। हत्ता तसबिया मिल्लता हूँ, तो उनकी मिल्लत अभी तो कई एक है ना, यहूदी अलग है, नसारा अलग है, मुश्रिकीन अलग है, तो अल्लाह ताला को मिलल कहना चाहिए था, मिल्लत हम क्यों कहना चाह रहा है? एक लफ्ज़ सिंगल क्यों बोला अल्लाह ताला, प्लूरल बोलना चाहिए, जब तक तुम उनकी मिल्लतों का इत्तेबा ना करो। मिल्लत हम एक, हत्ता तसबिया मिल्लत हम एक बोल रहा है अल्लाह ताला। इस्लाम के नजदीक दुनिया में गैर इस्लाम जितना भी है वो सब एक ही नजरिया है, एक ही मिल्लत है, और इस्लाम एक ही एक नजरिया हुआ है जो इस्लाम है, और इस्लाम के अलावा जो भी है चाहे वो देखने में कोई यहूदी करा अपना कोई ईसाई करा कोई भी है, इस्लाम के एक ही नजरिया है, यानी खुदा से, खुदा की हिदायत से इंसाफ, क्योंकि अल्लाह ताला ने वाहिद कलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वअला आलिहि।